हेलो दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना पावरफुल है। मैं चाहता हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर में जो भी आप हो, आपके मम्मी पापा बच्चे दादा दादी सबको बुलाइए, सब आ जाइए, सभी टीवी के सामने आ जाइए। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए और सभी को इस सेशन के अंदर आपको आना है। तो जल्दी जल्दी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूं, कितने पेरेंट चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी ना देखे? हाथ ऊपर कीजिए, मुझे दिख रहा है, हाथ ऊपर। कितने पेरेंट चाहते कि मेरा बच्चा टीवी ना देखे? ग्रेट। कितने पेरेंट चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ाई में होशियार हो? सभी चाहते हैं, नाइस। कितना पेरेंट जो चाहते हैं, यहां पे आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो हमेशा फर्स्ट आए, जो भी काम करे वो कॉन्फिडेंस के साथ करे, आपका बच्चा हमेशा सुनना चाहिए? कितने चाहेंगे? कितने कितने हाथ ऊपर करो, हाथ हाथ। ग्रेट ग्रेट, वाव। तो आज हम आपके बच्चे के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने वाले हैं। यस, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेशन है मैं बता रहा हूँ, आपका बच्चा अगर गुस्सा करता है, वो पढ़ाई में कमज़ोर है, आलस हो चुका है, आपका बच्चा जो भी प्रॉब्लम है, मानो टीवी मोबाइल या फिर पढ़ाई कमज़ोर है, होमवर्क नहीं करता है, इरिटेट करता है या फिर हमेशा कंपेयर करता है, उसके पास वो है मेरे पास नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको इस सेशन के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशंस मैं आज आपको गहराई में लेके जाना वाला हूँ। बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, आपकी बच्चे की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स मैंने दिया है, इसका सॉल्यूशन आपको एंड तक मिलने वाला है। नॉर्मली हमारा प्रॉब्लम ये है, हम हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क क्या है? बच्चे को कहते हैं, बेटा तुझे कितनी बार बोला, समझ में नहीं आता, तुझे ये नहीं करना है, उसे रोकते हैं। पहली बात, अभी रोकने से भी वो नहीं सुनता है तो बाद में, ए कितनी बार तुझे कहा, समझ में नहीं आता क्या, कितनी बार तुझे कहा ऐसा, तो उसे टोकते रहते हैं, हमेशा टोकते रहते हैं। अभी वो रोकने के बाद, टोकने के बाद तभी भी नहीं मान रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, ठोकते हैं। तो रोक टोक और ठोक चालू ही है, जिसे मैं हार्ड वर्क कहता हूँ। ये हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट पेरेंटिंग। आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके बच्चे स्मार्ट हैं। लेकिन ये सभी प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट किए हैं? हमने क्रिएट किया है। चलो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं, सभी को यहाँ पे हम गेम खेलेंगे। बच्चों मजा आएगा, गेम खेलना है? आप हाँ बोलो, ये सो रहा, खेलना है? हाँ चलो हम गेम खेलते हैं। आपको सभी ऐसे हाथ लेने हैं, जिस इस तरह से हाथ लीजिए, आगे सामने, वाओ ग्रेट। हम गेम खेलेंगे, गेम ऐसा है, आपको कहूँगा 1 2 3 4 5, आपको क्या करना है, 5 पे क्लैप बजानी है। कितने पे बजानी है? 5 पे। मैं सभी से सुनना चाहूंगा, कितने पे क्लैप बजानी है? कितने पे? 5। या ग्रेट, कितने पे क्लैप बजानी है? 5 पे। आप पापा कितने पे क्लैप बजानी है बताइए? वाह 5। मम्मी आप बताइए कितने पे क्लैप बजानी है? यस 5 पे बजाना। सभी कितने पे क्लैप बजानी है? 5। मानो मल्टीपल 5 5 10 15 20, ऐसे आपको आफ्टर 5 जो आएगा उस पर क्लैप बजानी है। बी रेडी, सभी अपने हाथ ऐसे लेके आइए, कुछ इस तरह से आइए, सभी अपने हाथ ऐसे लेके आइए, 5 पे क्लैप बजानी है। बी रेडी, सभी मेरी आंखों में आके डाल के देखिए। बी रेडी, आप मेरी आंखों में आके डाल के देखिए, मैं जो भी काउंटिंग कर रहा हूँ वहाँ पे 5 पे क्लैप बजानी है। मेरी आंखों में आके डाल के देखिए, सभी यहाँ पे फोकस, टीवी या लैपटॉप जो भी है उसके ऊपर देखिए। 1 2 3 4 एंड 5। अरे क्या हुआ, 4 पे बजे, किसने कहा था 4 पे बजाने के लिए, किसने कहा था? यही तो गलती करते हैं हम क्या करते हैं, जो देखा वो हमारा कॉन्शियस माइंड याद रखता है, उस कॉन्शियस माइंड को वो समझ में आता है। अभी जो देखा आपने, मैंने कहा 5 पे बजानी है, 5 पे बजानी है, 5 पे बजानी है, कितनी बार कहा, लेकिन तो भी गलती हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि माइंड देखता है वही करता है। अभी
आपने अगर आंखें बंद किया होता तो आप ये गलती ना करते, लेकिन आपने देखा, सुना, अनुभव लिया और वो आपके माइंड के अंदर गया। यही प्रॉब्लम होता है। हमारा बच्चा मोबाइल खेलता है, टीवी देखता है या फिर वो सुनता नहीं है, ये प्रॉब्लम आया कहाँ से? आज हम उसके गहराई में जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप बैठो, जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आप बताओ बच्चों, आपकी मम्मी फ्री होती है, मानो खाली होती है, उस समय पे मम्मी क्या करती है? बोलो बच्चों, क्या करती है? क्या? यस, टीवी देखती है। यस और नो? ग्रेट। आप मुझे बताइए, आपके पापा ऑफिस से घर आते हैं, क्या करते हैं? बताओ। मोबाइल, टीवी। यस, आपका बच्चा, उसको पता है मम्मी फ्री टीवी, पापा फ्री मोबाइल। वो इंटेलिजेंट है, वो सोचता है मैं 24 आवर फ्री हूँ, मुझे क्या करना है? टीवी एंड मोबाइल, वही तो खेलना है। तो बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा कॉपी करता है, मानो कि देखता है वही करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से बच्चे देख के सीखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, हमें समझना ज़रूरी है। देखिए ध्यान से। नाटक है बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? माँ जी, कितनी बार बोला, आप अपना चश्मा तकिए के नीचे क्यों संभाल के नहीं रखती? हमेशा इधर उधर रख देती हैं। सुमित, माँ जी का चश्मा फिर से गुम हो गया है, ढूंढ के दो, नहीं तो सारा सामान इधर का उधर करके रख देंगी। यही तो रखा था। क्या है माँ, क्या हुआ? क्यों अपना सामान रोज इधर उधर रखकर सबको परेशान करती रहती हो? क्या ढूंढ रही हो? बेटा, चश्मा नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रही हूँ। माँ, सामने रखा है चश्मा, तुम ना सचमुच अंधी हो गई हो। थैंक यू। राहुल, बैग पैक किया, टिफिन रखा, पेंसिल कटर सब रख लिया ना, कुछ भूले तो नहीं? अच्छा बेटा, अभी तक नाश्ता नहीं किया, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी करो चलो। मम्मी, आप कितनी बड़बड़ करती हो, कभी आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा? नेहा, मेरा चश्मा देखा क्या? राहुल, बेटा मेरा चश्मा देखा? पापा, आप सचमुच अंधे हो गए, ये ला आपका चश्मा। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का, यही सीखते हो स्कूल में जाके? पापा, मैं स्कूल में नहीं सीखा, आपसे सीखा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से बच्चे सीखते हैं। बच्चे हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं, हम जो करते हैं वही वो करेंगे, तो पहले हमें चेंज करना होगा। पिछले कई दिनों से, पिछले 5 साल से एज अ माइंड एक्सपर्ट में काम कर रहा हूँ, और पिछले कई दिनों से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था, और उस समय पे मैंने बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मैंने एक चीज़ समझी, वो क्या है? वो है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने NLP जैसे साइंस को समझा। NLP में हमने माइंड प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट सीखा, और उसके अंदर मैंने एक चीज़ को जाना, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये चीज़ जिसने समझी, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो आप हर एक सिचुएशन से बाहर आसानी से निकल सकते हैं। वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो है, आपका बच्चा 5 से 15 साल का है ना, ये वीडियो को ए ना कीजिए। आपको बता रहा हूं कि पूरा देखो, क्योंकि मिडब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस, जब मैंने इसको जाना समझा, क्या कहूं मैं, ऐसे रिजल्ट कि मैं शॉक हो जाता हूं, जान के चौक हो जाता हूं। आपके बच्चे, 5 फायदे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 5 बड़े फायदे बता रहा हूं। पहला है कि आपका बच्चा बंद आंखों से देखेगा, 5 से 15 साल के बच्चे बंद आंखों से देखेंगे, इतना ही नहीं लाइफ टाइम देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, लाइफ टाइम देखने वाले हैं। ये
सत्य सुन रहे हैं आप, लाइफ टाइम सोचो आपको आंख मिल रही है, आंख मिल रही है, आंख मिल रही है आपके बच्चों को एक नई, तो मैं डिफेंस करना जरूरी है। आपका बच्चा बंद आंखों से देखेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, जितना भी पढ़ा याद रखेगा, उसका सब कॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन, इमेजिनेशन, पीनियल ग्लैंड से वो देख रहा है। अभी सर्च करो, अभी गूगल करो, पीनियल ग्लैंड, इमेजिनेशन पावर उसके अंदर पड़ी है। अभी देखो माय फ्रेंड्स, वो इमेजिनेशन से पढ़ रहा है, किताब को पढ़ रहा है, रीड हटा भी दो तभी भी दिख रहा है, मेमोरी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, ऑटोमेटिकली आपका बच्चा को कंसंट्रेशन की कमी ना, कंसंट्रेट नहीं करता, टीवी मोबाइल ये सभी चीज़ें, ये कंसंट्रेशन का टेक्निक ही है, आंखें बंद करके पढ़ना, ये कंसंट्रेशन ही तो बढ़ा रहा है। हम अपने बच्चे को कंसंट्रेशन एक पीक पे लेवल जाते कि उनके विचार को जीरो बनाते, जब विचार जीरो हो जाते हैं मेडिटेशन में तो बंद आंखों से दिखना पॉसिबल है, साइंटिफिकली प्रूफ है। और दूसरा मैं फायदा बता दूं, आपके बच्चे का चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चे पैर से रीड कर रहे हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ने वाले हैं, पूरी की पूरी किताब स्मेलिंग से। ये हमारे जमाने में नहीं था, ये साइंस हमारे जमाने में था, बच्चे अपडेट हुए हैं। ये अभी का जो साइंस है, अगर पीछे रहोगे, पीछे चलोगे आप, आगे नहीं बढ़ोगे, तो आगे बढ़ना है आपके बच्चे अगर पीछे रहेंगे तो अवनी आगे जाएगी। अवनी का पेपर में फोटोग्राफ आया, उसके मम्मी डॉक्टर, पापा डॉक्टर, और उन्होंने इस क्लास में उनका एडमिशन, उनको विश्वास नहीं था कि ऐसे हमारे बच्चे करेंगे, लेकिन अवनी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो घबराती थी, लेकिन आज उसका इंटरव्यू लेने के लिए पुण्य नगरी के मैनेजर, वो सभी लोग आए और शॉक हो गए अवनी का देखने के बाद। दूसरे ही दिन माय डिफेंस पेपर में न्यूज छापी तो उनकी मम्मी इतनी खुश हो गए, उनके पापा खुश हो गए। नमस्ते, माझं नाव डॉक्टर गीता पाणी, मी माझ्या दोन्ही मुलांना श्री योगेश दहिहंडे सरांकडे औरंगाबाद इथे क्लासेस लावलेले आहेत। सुरुवातीला मी माझ्या मुलीला लावले होते, तिच्यामध्ये खूप छान, अगदी 1.5-2 मिनिटातच खूप सुंदर तिच्यामध्ये फरक जाणून आला। त्याच्यानंतर मग मी मुलाला लावले, तर दोघांमध्येही खूप छान फरक जाणवला आहे। दोघांची मेमरी, स्मरणशक्ती, कॉन्सन्ट्रेशन बऱ्यापैकी वाढलं आहे। दोघं एकत्र असताना पहिले खूप भांडायचे, पण आता ते खूप कमी झाले। दोघं एकमेकांना अगदी चांगल्या पद्धतीने समजून घेत आहेत, आणि म्हणजे हे जे मेडिटेशनची त्यांना खूप आवड निर्माण झाली त्यांच्यामध्ये। स्वतःहून ते म्हणतात की आई आम्हाला मेडिटेशन करायचं, आणि टी व्ही बघणं, मोबाईल बघणं हे कमी झाले, प्रमाण खूप खूप जास्त कमी झालं। त्या मुलांकडे बघून मला खूप छान वाटतं। फक्त माझीच मुलं नाही तर क्लासमधले प्रत्येक मुलांमध्ये खूप छान इम्प्रूव्हमेंट आहे। सगळ्यांचे पालक अगदी समाधानी आहेत की ज्या गोष्टीसाठी आम्ही क्लास लावला त्याचे रिझल्ट आम्हाला खूप लवकरात लवकर मिळाले, आणि मुलांवर खूप छान संस्कारही होत आहेत। माय डिफेन्स दबाइए मत, ये टॅलेंट ऑलरेडी आपके बच्चे के अंदर पड़ा है, बस पता नहीं है, हम जानते नहीं है, ये टॅलेंट को समझते नहीं। तो आओ 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 हमारे पास, आओ हमारे क्लास के अंदर, आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपके बच्चे के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिल सकता है। पढ़ाई नहीं कर रहा है, राइटिंग कमज़ोर है, या फिर टीवी मोबाइल बहुत देखता है, या फिर गुस्सा बहुत करता है, ज़िद बहुत है, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको मिडब्रेन एक्टिवेशन देने वाला है। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, हमारे बच्चे काफ़ी मीडियाज़ में गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पट्टी बांध के 2 महीने में पूरे की पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, यकीन नहीं आता। तो आइए आइए आइए, इतना जोर में दे रहा हूं क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूं, हमारी पेरेंट्स यहां आने के बाद कहते हैं, सुनिए। नमस्कार, माझं नाव विद्या संजय मंगळे, योगेश दहिहंडे सरांकडे माझ्या मुलींसाठी मिडब्रेन ऍक्टिवेशन चा कोर्स लावलाय, तर मला तो कुणाकडनं तरी माहिती पडला आणि मी त्या मुलांचे ऍक्च्युअल त्यांचे व्हिडिओ बघितले आणि त्यांचं रिअलमध्ये पण बघितलं की नेमके ते काय करतात, थर्ड आय ओपन होतं म्हणजे नेमकं काय होतं। तर मला पण आधी ती जादूच वाटायची, पण हे कशामुळे शक्य होतं, ज्यांचे मी व्हिडिओ बघितले, त्यांचे फीडबॅक घेतले, सर्व माहिती काढल्यानंतर मी हा कोर्स जॉईन केला। हा कोर्स जॉईन केला तर मला आता 3 आठवडेच झाले, तर सरांचा कोर्स जॉईन केल्यापासून 3 आठवड्यातच माझ्या मुलींमध्ये मला एवढा फरक जाणवतोय, आणि खूप पॉझिटिव्हिटी आली की यस, काहीतरी होऊ शकते, मी जे ठरवलंय माझ्या मुलींसाठी ते आयुष्यात बनू शकतात, आणि जे लाईफसाठी आपल्याला आवश्यक असते, हेल्थ, वेल्थ अँड प्रॉस्पिरिटी, ते सगळी या क्लास थ्रू आपल्याला मिळणार आहे। मी योगेश दहिहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता, आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला।
मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळेस बघितलं त्या ठिकाणी, माझ्या मुलांनाही दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड सोडकू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ एवढं आमचं दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले, तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतो. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिडब्रेन ॲक्टिवेशनचा क्लास चालू केला, तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी जी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझं आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली, जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असते ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झाल्या, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढे योगेश सरांना धन्यवाद देऊ तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतं. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. कर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियां का